हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड मासिक टेस्ट सत्र 2022-23 माह जुलाई कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करें। इस वीडियो पर बात करते क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स मासिक टेस्ट मंथ जुलाई। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका पहला प्रश्न, अध्याय 1 से अध्याय 4 तक प्रश्न मासिक टेस्ट जुलाई में पूछे जाएंगे। इसका पहला प्रश्न, भौतिकी के किन्हीं दो सार्वभौमिक नियमों के नाम लिखना है। भौतिकी क्या है, इसकी विभिन्न शाखाओं के नाम लिखिए। किन्हीं चार भौतिक विदों के नाम और उनके खोज कार्य लिखिए। विद्युत चुंबकीय बल क्या है, विज्ञान क्या है, इसके उद्देश्य को बताइए। भौतिकी का समाज से संबंध को समझाइए। वैज्ञानिक विधि क्या है, इसके मुख्य चरणों को स्पष्ट कीजिए। अगला मापन चैप्टर से, भौतिक राशियां किसे कहते हैं। 1 एम्स स्ट्रॉन्ग का मान मीटर में कितना होता है। मात्रक कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। मूल मात्रक किसे कहते हैं। एसआई पद्धति में कौन कौन से मूल मात्रक हैं, इनके संकेत लिखिए। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक से क्या अभिप्राय है, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर क्या होता है, इसका मान कितना होता है। विमीय सूत्र क्या है या विमीय समीकरण क्या है, इसकी लिमिटेशन बताना है। सार्थक अंक किसे कहते हैं, जो अंक यहाँ पर दिए गए इनमें कितने सार्थक अंक है इसको बताना है। शुद्धता की जाँच करना है या विमीय से सिद्ध कीजिए कि टी बराबर 2π√L/g। प्रतिशत त्रुटि क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। मापन में त्रुटियां से क्या तात्पर्य, विभिन्न प्रकार के त्रुटियों को समझाइए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। सभी सब्जेक्ट का आपका मासिक टेस्ट इस चैनल पर आपको मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गति के समीकरण क्या होता है, s = ut + ½ at² की शुद्धता की जाँच कीजिए, जहाँ s विस्थापन, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण तथा t क्या है समय। शक्ति विकृति और कार्य का विमीय सूत्र बताइए। विमीय सूत्र क्या है, किन्हीं तीन भौतिक राशियों की विमाएँ m, l की पावर -1, t की पावर -2 है। विस्थापन और दूरी में अंतर लिखिए। वेग और चाल में अंतर लिखिए। एक समान गति क्या है, एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ की प्रकृति कैसी होती है। औसत वेग और औसत चाल में अंतर लिखिए। गति के समीकरणों को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। समाकलन विधि से गति के द्वितीय तृतीय समीकरणों का निगमन कीजिए। ग्राफिक विधि द्वारा द्वितीय समीकरण को निगमित कीजिए। फिर एक न्यूमेरिकल, एक कार ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 30 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस आ जाती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या होगा, बताइए। कार का औसत वेग क्या है। एक मोटर कार 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग तथा 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से जा रही है, 20 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। गति के समीकरण से ये प्रश्न है, इसको हल करना है। सदिशों का योग त्रिभुज नियम क्या है, मोस्ट IMP ये क्वेश्चन है। एकांक सदिश तथा शून्य सदिश से आप क्या समझते हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, इसमें से तो श्योर है कि आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल एवं क्षैतिज परास्त तथा अधिकतम ऊंचाई का मान ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप्य प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, और प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है वो परवलयकार पैराबोलिक होता है, इसके बारे में बताना है। वृत्ति गति करने वाली वस्तु के रैखिक वेग एवं कोणीय वेग की परिभाषा लिखकर उसमें संबंध को स्थापित कीजिए। आवृत्ति और आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं। सदिशों के योग का समानांतर चतुर्भुज नियम क्या है, समान सदिश, ऋण सदिश, एकक सदिश और शून्य सदिश को परिभाषित कीजिए। अभिकेंद्र त्वरण क्या है, इसके लिए व्यंजक लिखिए तथा दिशा बताइए। गोली को ठीक लक्ष्य पर दागने के बजाय
उससे थोड़ा ऊपर दागना चाहिए, ऐसा क्यों? दो गेंदे एक ही प्रारंभिक वेग से 36 से थीटा और 90 माइनस थीटा कोणों पर फेंकी जाती है, उनके द्वारा तय की गई 36 परासों का अनुपात क्या होगा? प्राप्त अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? 44वां प्रश्न, एक गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से 30 अंश का कोण पर फेंकी जाती है, गेंद का उड्डयन काल टाइम ऑफ पीरियड फाइंड आउट कीजिए। जी का वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो इस तरह से आपके मासिक टेस्ट पर इसी में से ही क्वेश्चन आएंगे। मासिक टेस्ट नहीं, इसके साथ साथ आपका त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के जो चार शुरू के चार चैप्टर है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इसी में से ही आएगा। आप पूरा साल भर का ब्लूप्रिंट इसी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।